Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Avinav Rana. I am a student of TRDAV Public Senior Secondary School, Kangu, District Hamirpur, Himachal Pradesh. Sir, my question is, how can we educate and encourage students to manage exam stress effectively while also harnessing the benefits of mobile technology as a tool for learning rather than letting it become a distraction during crucial study periods? Thank you, sir. Thank you, Abhinav. Pradhan Mantri Ji, चंद्रेश जैन, पूजा और अभिनव जैसे अनेक लोग जीवन में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के बढ़ते दबाव की स्थिति से परेशान हैं। वे सभी तकनीक पर निर्भरता एवं इसके अधिक प्रयोग से होने वाली दुष्प्रभाव से कैसे बचें? कृपया इस विषय में उचित परामर्श प्रदान कीजिए। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है और सहज जीवन में भी कहा गया, किसी भी चीज का अति किसी का भला नहीं करता है। हर चीज उसका एक मानदंड होना चाहिए, उसके आधार पर होता है। अगर मान लीजिए मां ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है, न्यूट्रिशन की दृष्टि से रिच है, टेस्ट आपकी पसंद का है, समय भी खाने का है, लेकिन बस खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, मां परोसती जा रही है, क्या ये संभव है? क्या संभव है? क्या कभी कभी तो आप मां को कहो, नहीं मां बस बहुत हो गया, अब नहीं खा सकता हूं। करते हो कि नहीं करते हो? आपकी प्रिय खाना था, हर प्रकार से न्यूट्रिशन वैल्यू वाला था, वो समय भी ऐसा था, खाने का वक्त था, फिर भी एक स्टेज आ जाता है जब वो खाना आपके लिए तकलीफ कर सकता है, वॉमिटिंग करवाएगा, हेल्थ खराब कर देगा। आपका कितना ही प्रिय खाना, आपको रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ता कि नहीं रुकना पड़ता? वैसे ही मोबाइल के ऊपर कितना ही प्रिय चीजें, कितनी ही चीजें आती हो, लेकिन कुछ तो समय तय करना पड़ेगा। अगर आप, मैंने देखा है आजकल बहुत से लोगों को जब भी देखो लगे पड़े हैं। आपने देखा होगा मेरे हाथ में कभी, बहुत रेयर केस में कभी मोबाइल फोन मेरे हाथ में होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे समय का मुझे सर्वाधिक उपयोग क्या करना है। जबकि मैं ये भी मानता हूं कि इंफॉर्मेशन के लिए मेरे लिए एक बहुत आवश्यक साधन भी है, लेकिन उसका कैसे उपयोग करना, कितना करना, इसका मुझे विवेक होना चाहिए। और ये दोनों जो पेरेंट्स की चिंता है वो इन दो की नहीं है, हर पेरेंट्स की चिंता है। शायद ही कोई अपवाद होगा, जो मां बाप खुद भी दिन भर मोबाइल में अटके रहते होंगे ना, वो भी चाहते होंगे कि बेटा इसे बचे। और आपने देखा होगा सबसे बड़ी बात, आपके जीवन को बहुत कुंठित कर देता है जी। अगर आप परिवार में देखोगे तो घर के चार लोग चार कोने में बैठे हैं और एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उठ करके मोबाइल नहीं दिखाते कि देख मैंने ये आया तुम देखो। क्यों? सीक्रेसी। ये इसके कारण एक बहुत बड़ा अविश्वास पैदा करने में ये भी एक साधन बन गया आजकल। अगर मां ने मोबाइल फोन को हाथ लगा दिया, बस आ गया घर में तूफान, तुम कौन होती मेरे मोबाइल को हाथ लगाने वाली, यही हो जाता है। मैं समझता हूं कि परिवार में कुछ नियम होने, जैसे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। सब लोग खाना खाते समय गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, खाना खाएंगे, ये हम डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं जी। घर के अंदर मैंने पहले भी कहा है या दोबारा कहता हूं, नो गैजेट जोन, कि भाई ये कमरे में कोई गैजेट की एंट्री नहीं, हम बैठेंगे बातें करेंगे गप्पे मारेंगे।
परिवार के अंदर वो ऊष्मा का वातावरण उसके लिए जरूरी है। तीसरा, हम हमारे खुद के लिए भी, अब टेक्नोलॉजी से हम बच नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बोझ नहीं मानना चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूर भागना नहीं चाहिए, लेकिन उसका सही उपयोग सीखना उतना ही अनिवार्य है। अगर आप टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, आपके माता पिता को पूरा नॉलेज नहीं है, सबसे पहला आपका काम है आज मोबाइल पर क्या क्या अवेलेबल है उनसे चर्चा कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए और उनको विश्वास में लीजिए कि देखिए मैथ्स में मुझे ये चीजें यहां मिलती हैं, केमिस्ट्री में मुझे ये मिलती हैं, हिस्ट्री में ये मिलती हैं और मैं इसको देखता हूं, आप भी देखिए, तो वो भी थोड़ी रुचि लेंगे। वरना क्या होगा, हर बार उनको लगता होगा कि मोबाइल मतलब ये दोस्तों के साथ चिपका हुआ है, मोबाइल मतलब रील देख रहा है। अगर उसको पता चले कि भाई इसमें ये पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को मूर्ख बनाने के लिए बढ़िया चीज दिखा दे और फिर दूसरा करे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने पूरे परिवार में पता होना चाहिए क्या चल रहा है। हमारे मोबाइल फोन का लॉक करने का जो नंबर होता है वो परिवार के सबको अगर पता हो तो क्या नुकसान होगा, परिवार के हर सदस्य को हर एक मोबाइल का अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाए आप काफी बुराइयों से बच जाएंगे।